Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. Aaj jo hai, inshallah, I will not forget to tell you sari cheezon ki prices, sari cheezon ki details, inshallah, wo sab hum karenge. Abhi chal ke jo hai, hum coffee peete hain, mujhe kuch blissful ka paperwork wagaira karna hai, 4 baje gym jana hai, khana pakana hai, so lots to do. So jaldi se chal ke coffee peete hain. गाइस, मैंने जो है ये फ्रॉथर लिया था एक रैंडम से स्टोर से, बहुत ही इनएक्सपेंसिव, आई थिंक 1000 या 2000 रुपीज़ का था. एंड दिस नेस्प्रेसो वाला मेरा ये कोई 35,000 का है. एंड दिस वन वर्क सो मच बेटर देन नेस्प्रेसो, लिटरली 2 सेकंड में झाग होना शायद ही देख लिया. लुक एट दिस, आज तो इतनी अच्छी बनी भी नहीं है. आई थिंक दूध वॉज नॉट ठंडा इनफ. कल तो ऐसी ज़बरदस्त बनी थी, बट स्टिल सो मच बेटर देन द एरोचिनो. अब जो है लंच में बना रही हूँ मैं कल के लेफ्ट ओवर कबाब्स, द चिकन चीज़ वंस. जी गाइस, अब मैं खा रही हूँ अपनी चपाती विद माई कबाब एंड आई एम वॉचिंग Young Sheldon. चलें जी गाइस, आई हैव टेकन अ शावर, खाना वाना खा के मैंने जो है नहा लिया है. आई एम गेटिंग रेडी फॉर द जिम, सो वी जस्ट गोना डू आवर स्किन केयर, नो मेकअप. सबसे पहले जो है मैं अपना लीव इन कंडीशनर लगा रही हूँ. दिस इज द जीसो का लीव इन कंडीशनर. Then we're just going to brush our hair. इससे जो है आपकी ब्रेकेज कम हो जाती है, बिकॉज इट जस्ट रियली रियली आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टैंगल फ्री और मैनेजेबल कर देता है. तो हम लोगों ने जो है अपने बाल ब्रश कर लिए हैं, अब हम लोग अपनी क्विक सी स्किन केयर करते हैं, बिकॉज मुझे जो है जिम के लिए बहुत देर हो रही है. एंड अभी जो है 4 बजे हैं, आई नीड टू बी देयर एट 5. मुझे असर भी पड़नी है, अपने बाल भी ड्राई करने हैं, सो 20-25 मिनट का रास्ता भी है, 20-25 मिनट नहीं बट 15 मिनट. सो वी गोइंग टू डू सुपर क्विक स्किन केयर रूटीन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज एक बहुत एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं. कल शाम में जो है आई हैव टू फिल्म अ वीडियो, और वीडियो के से पहले जो है मैं मेकअप करूँगी, तो मेकअप के लिए आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग जस्ट हाइड्रेटिंग स्किन केयर रूटीन्स दिन में. तो हम लोग अपनी जो है मुंह को डैम्प करेंगे विद द थर्मल स्प्रिंग वाटर स्प्रे बाय ब्लिसफुल, कमिंग आउट सून. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना, क्या लगाएंगे अपना, हाइलुरोनिक एसिड. अच्छा गाइस, सो इफ यू डोंट इन्जॉय मेरे स्किन केयर सेगमेंट्स इन द व्लॉग्स, यू कैन ऑलवेज स्किप देम, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं दैट डू इन्जॉय देम. यू नो, जिस दिन मैं नहीं करती उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं कि आप अपनी स्किन केयर गेट रेडी विद मी वगैरह नहीं कर रही. तो इस वजह से अगर आपको नहीं पसंद तो यू कैन ऑलवेज स्किप देम. मर्द हजरात अक्सर नहीं पसंद करते, तो जो औरतें अपनी फैमिलीज़ के साथ देखती हैं वो स्किप कर सकती हैं. ये वैसे मर्द हजरात भी देख लें तो स्किन केयर इज़ नॉट वेरी जेंडर स्पेसिफिक, आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा फ़ायदा ही हो जाएगा आपको. अच्छा, सो जिम के बाद जो है मुझे जाना है दर्जी के पास, बिकॉज़ हमना ने मुझे बहुत ही खूबसूरत एक रमज़ान के लिए सूट दिया है बरोक का. इट्स वेरी वेरी प्रिटी, आई वॉन्ट गेट इट स्टिच जस्ट इन टाइम, क्योंकि फिर मेरे जो दर्जी हैं वो तो हर छोटी छोटी बात पे बहुत ही बिजी हो जाते हैं. तो खैर, आई वांट टू गिव इट टू हिम इन टाइम कि वो मुझे जो है रमज़ान में दे दें, किसी 10वें 12वें रोज़े में भी दे दें तो ठीक है, ताकि अगर हम लोग अगर नीलक हम लोग प्लान करेंगे हम एक रमज़ान में अच्छी सी दावत करेंगे तो दावत वाले दिन में वो पहन लूँ. ठीक है जी, और ऑल्सो हमना ने जो है ये बहुत ही क्यूट से रमज़ान बॉक्सेस बनाए हैं, तो ये मुझे उसने कल दिया था बट मैंने अनबॉक्स नहीं किया, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँ इसकी. तो जब तक हमारा
हाइलुरोनिक एसिड तो वैसे ड्राई हो गया है, हम अपना दूसरा सीरम लगाते हैं जब तक वो ड्राई हो जाओगे हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो आई हैव रीस्टॉक्ड ऑन माय सेंटेला सीरम जो कि माशाल्लाह से बिल्कुल ही खाली हो चुका था, और इसमें से अभी वैसे थोड़ा जुगाड़ तो हो सकता है। लेट्स ट्राई, ज़ाया नहीं करना ना भाई, ज़ाया नहीं करना। ओके एक तो मसला पता है क्या है, इतना सेंटेला जो है ना वो थिक भी है ना, तो वो ऐसे ऐसे स्लाइड भी नहीं होता बॉटल के अंदर, सो जो लास्ट आपका रेजिड्यू होता है बड़ी मुश्किल से बाहर आता है, बट हम लोगों ने थोड़ा बहुत जुगाड़ आधे मुंह का तो कर लिया है, बाकी आधे मुंह के लिए ट्राई करते हैं। आई थिंक अब आ गया है, यस, जस्ट अ लिटिल बिट मोर, बस अब मुझे लगता है कि ये बोतल जो है ना अच्छी तरह से शदीद खाली हो चुकी है। वी हैव गॉटन एवरी चप्पा चप्पा आउट ऑफ इट। उफ़ आई लव दिस सीरम गाइस। बड़ा फनी सीन हुआ कल, मैंने जो है ना अपने जिम चेंज किया है बिकॉज मुझे जो है डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि मैंने MRI करवाया था अपने घुटने का और मेरा MRI क्लियर आया, सो नो मेनिस्कस इंजरी नथिंग, द डॉक्टर थिंक्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन माय फ्लेक्सिबिलिटी माय मोबिलिटी ये सारी चीज़ें, बिकॉज मैं फ्लैट फुट हूँ और फ्लैट फुट वालों को जो है बहुत एंडलेस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस तरह के। तो खैर F11 में एक जिम है ग्रिड फिट, उसमें जो है एक ट्रेनर है, ही इज़ वेरी गुड विद मोबिलिटी वर्क स्ट्रेचेज ये सारी चीज़ें, सो मैंने जिम चेंज किया, मैंने वो ज्वाइन किया एंड मैं वहाँ पे जो हूँ वर्कआउट करी थी, तो एक खातून मेरे पास आई एंड शी इज़ लाइक के ब्लिसफुल जो है के कहते हैं ब्लिसफुल वालों को मैं मैसेज करी थी करने वाली थी, तो ब्लिसफुल वाली जो है मुझे यहीं मिल गई ना, आज लेकिन अच्छा कोई इशू हुआ, शी इज़ लाइक जी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी स्किन केयर से, आज लाइक अच्छा व्हाट आर यू यूजिंग, कब कितना टाइम हुआ है आपको यूज़ करते हुए, एंड शी इज़ लाइक 10 दिन हो गए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड आई जस्ट लुक्ड एट हर फेस, आई वाज लाइक 10 days इज नथिंग, मतलब कोई जादू तो नहीं है, इट्स अ सीरम, सीरम्स को तो आपको मिनिमम 4 to 6 weeks देने होते हैं टू वर्क, तो खैर शी इज़ लाइक आज लेकिन आप किस कंसर्न के लिए लगाना चाह रही हैं, तो शी इज़ लाइक मेरे ये जो नकल्स हैं ये बहुत काले हैं और मैं 10 दिन से इस पर लगा रही हूँ और मुझे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एज लाइक यू नो डार्क पिगमेंटेशन वगैरह के लिए तो आप विटामिन सी ट्राई करें, वैसे भी आई थिंक सनस्क्रीन वुड बी द बेस्ट बेट। तो खैर ये कॉन्वर्जेसन चली थोड़ी देर तक, बट मुझे काफ़ी फ़नी लगा, ऐसे कि नो इतनी तो हम लोगों ने माशाल्लाह से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि आपको हर स्किन कंसर्न को हर सीरम को थोड़ा एडजस्टमेंट टाइम थोड़ा काम करने का टाइम तो देना होता है, तो 10 दिन में तो लिटरली कोई जादू की झड़ी भी नहीं काम करती, अनलेस यू आर गेटिंग लाइक प्रोसीजर भी आप करा रहे हो, आप कोई बोटॉक्स भी कराएं तो उसका भी लिटरली डाउन टाइम होता है, स्वेलिंग होती है वो जाती है फिर जाके आपको 10-15 दिन में फ़र्क नज़र आते हैं, सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल तो प्लीज़ गिव योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स सम टाइम टू एक्चुअली वर्क बिफोर एक्सपेक्टिंग वेरी ड्रास्टिक रिजल्ट्स। सिर्फ आपकी चीज़ें जो फ़ौरन काम करती हैं वो होते हैं आपके हाइड्रेटिंग सीरम्स लाइक योर हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज वो इंस्टेंटली ऑब्वियसली मॉइस्चर खींच के आपकी स्किन को हाइड्रेट करती हैं, तो आपको फ़ौरन ड्राइनेस में फ़र्क नज़र आता है। दूसरा आपके क्लेंजर्स हाउ वेल देयर क्लेंजिंग वो आपको फ़ौरन पता चलता है, एंड तीसरा आपके मॉइस्चराइजर्स, सो इनका काम जिन प्रोडक्ट्स का काम हाइड्रेशन होता है तो वो इंस्टेंटली हाइड्रेट करते हैं, बट ऑब्वियसली नन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म हाइड्रेशन। जब इनके इफेक्ट्स वेयर ऑफ होंगे तो फिर आपकी स्किन अगर ड्राई है तो वापस से ड्राई हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप मुंह धोते हैं और आप मुंह धो के कुछ भी ना लगाएं तो आप ड्राई स्किन वालों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, मॉइस्चराइजर लगाएं तो ठीक रहती है, मॉइस्चराइजर का इफेक्ट वेयर ऑफ होता है तो फिर ड्राई हो जाती है, स्किन टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते अपने, आप बस
यू नो यू कैन प्रिवेंट ड्राइनेस, यू कैन प्रिवेंट ऑयलीनेस, बट यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट. हाँ, स्किन कंसर्न्स आपकी आप टारगेट कर सकते हैं. आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, आपकी डार्क स्पॉट्स हो गए, आपकी रिंकल्स हो गए, फाइन लाइन्स हो गई, एक्नी हो गई, ये सारी चीज़ें टारगेट हो सकती हैं. बट लाइक आई सेड, स्किन कंसर्न जो आपकी स्किन टाइप है वो तो चेंज नहीं हो सकता. सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, यू विल हैव टू टैकल योर ऑयली स्किन थ्रू प्रोडक्ट्स. इफ यू हैव ड्राई स्किन, यू विल हैव टू टैकल योर ड्राई स्किन थ्रू प्रोडक्ट्स लाइफ लॉन्ग. ठीक है, हमारी बहुत ही क्विक सी सनस्क्रीन बोली थी, स्किन केयर हो गई. सनस्क्रीन की हमें जो है ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स, और जब तक मैं निकलूँगी तब तक 5 बज चुके होंगे. तो हम लोग ज़रा अपना ये अनबॉक्स करते हैं. ये वैसे मैंने हम्मा के साथ ही जाके इसकी चीज़ें ली थी, सो आई हैव अ बिट ऑफ एन आइडिया कि इसमें क्या क्या है. बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड. बहुत ही बड़ी क्यूट सी एक पर्ल तस्बी है. वी हैव खजूरें एंड वी हैव चॉकलेट्स, जिसमें से एक चॉकलेट मैं अभी खा लेती हूँ. बस ज़रा मीठे की क्रेविंग हो रही है. तो बहुत ही भाई हमारी नंद ने क्यूट से डब्बे बनाए हैं सबके लिए. वेरी वेरी नाइस. ठीक है जी, अब जो है जस्ट बिकॉज माई फेस लुक्स अ लिटल बिट ब्लैंड टू मी, तो मैं क्या करूँगी, सम फेस पाउडर ऑन माई मॉइस्चराइजर. आई फील लाइक ये आपको इतनी अच्छी कवरेज देता है कि एवरी डे रूटीन के लिए आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑल डन. सम मस्कारा एंड फाइनली हम लगाएंगे थोड़ा सा कोई टिंट टाइप लगा लेते हैं. ये जो है ग्लॉसियर का विला शेड है. एंड वी आर डन सेट फॉर द जिम. परफ्यूम हम लगाते हैं. सो गाइस, सो एक मेरे लिए ना, एक परफ्यूम एंथुजियास्ट के लिए बेस्ट बेस्ट एवर कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपके परफ्यूम की ना कोई तारीफ कर दे. सो मैं उस दिन पिछले व्लॉग में जब ये लोग, मैंने बोला था कि ये लोग सेंट्रल पहुँच रहे हैं एंड आई विल जॉइन देम, तब आई वेंट टू ईसरीज. और वहाँ पे जो है, वहाँ से वापस आने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि आई सॉ यू एट ईसरीज, आई वाज टू शाई टू कम से हाई, बट योर परफ्यूम वाज ड्रीमी. एंड ऐसी खुशी हुई है मुझे, ऐसी खुशी हुई है, आई वाज लाइक पैसे वसूल. तो खैर, उस दिन मैंने जो है गर्लेन का सैंडल रॉयल लगाया हुआ था और उसको मिक्स किया हुआ था YSL लिब्री के साथ. सो आई यूज़ द EDP इंटेंस एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन आर ट्रूली ड्रीमी. दे जस्ट मिक्स टुगेदर सो वेल. चलिए जी, बाल ड्राई करते हैं, लेट्स गो. हे गाइस, दिस इज़ द सूट जो हमना ने मुझे लेके दिया है. तस्वीर में लिटरली पता नहीं चल रहा, बट इट इज सो ब्यूटिफुल. ये देखें, ये इसका दामन है, ये आई थिंक बैक है दामन का, ये दुपट्टे की पट्टी है. आई डोंट नो. दिस इज द ट्राउज़र. ये जो है शर्ट है, बहुत ही प्यारी. और इसके साथ जो है सिल्क का दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत सा. एंड दिस इज द बाजुओं की पट्टी, बहुत ही प्यारा है. और ये साइड पे अली ने कोई नया लेंस मंगवा लिया अपने कैमरे के लिए. मेरे ट्रेनर ने जो है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा खई पे कैचअप कर लूँ, बट इट इज़ सो बोरिंग नाउ. चलिए जी गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द जिम. बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इंटेंस सेशन रहा मेरा. सो दिस न्यू ट्रेनर दैट आई हैव हायर्ड, हिज नेम इज़ उस्मान एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड एट व्हाट ही डज. बिकॉज मैं जो हूँ एक बॉडी बिल्डिंग ना टॉक्सिक कल्चर होता है, वेर यू जस्ट वांट लिफ्ट वेट्स, पंप वेट्स, पंप वेट्स बढ़ाएं. एंड यू नो, कितना जितना आप ज़्यादा उठा सकते हैं वज़न, उतना ज़्यादा यू नो यू आर गुड एट बॉडी बिल्डिंग. तो
इट एक थोड़ा सा ना आपका एक टॉक्सिक माइंडसेट बन जाता है, फिर आप फॉर्म वॉर्म सब छोड़ देते हैं एंड यू जस्ट वांट टू लिफ्ट वेट्स. सो फॉर मोबिलिटी दैट्स नॉट ग्रेट बिकॉज आप हर जगह से स्टिफ हो जाते हो. अक्सर आप बॉडी बिल्डर्स देखेंगे वो जो है कोई वार्म अप्स नहीं करते, कोई मोबिलिटी वर्क नहीं करते. मैं भी कभी भी नहीं करती थी एंड जस्ट स्ट्रेट इन टू वर्कआउट्स, स्ट्रेट इन टू लिफ्टिंग एंड स्ट्रेट आउट ऑफ द जिम. तो खैर पिछले कोई 3-4 सेशन से वी बीन वर्किंग अ लॉट ऑन माई मोबिलिटी एंड आई रियलाइज कितनी बुरी है मेरी मोबिलिटी, बहुत बुरी है. एंड आई नेवर थॉट कि रेजिस्टेंस बैंड से ट्रेनिंग वुड बी सो हार्ड फॉर मी बिकॉज वी जस्ट फोकस ऑन वेट सो मच दैट वी डोंट फोकस ऑन फॉर्म, वी डोंट फोकस ऑन एडिंग इनफ रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें. तो खैर ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट सेशन. खैर आई केम बैक सुपर डुपर टायर्ड और मुझे जो है बिल्कुल भी कुछ फसी पकाने का दिल नहीं चाह रहा था. सो आई एम जस्ट मेकिंग कोकोनट चिकन टुडे, इट्स सुपर डुपर सिंपल. ये जो है मैंने अपनी चिकन ब्रेस्ट ली थी, इसको जो है मैंने बस सीजन किया सॉल्ट पेपरिका और मिक्सड हर्ब से और इसको ग्रिल कर लिया. फिर यहाँ पे जो है उसी पैन के अंदर इसके अंदर मैंने चिकन ग्रिल की थी, मैंने थोड़े से अनियंस और जिंजर गार्लिक को सॉटे किया और उसमें जो है 1 कप पानी डाल के उसके अंदर 2 चिकन क्यूब्स डाल दी. अब जैसे ये थिक हो जाएगा तो इसके अंदर मैं कोकोनट मिल्क डाल दूँगी, चिकन वापस ऐड करूँगी, ऊपर से धनिया डाल दूँगी एंड इट्स गुड टू गो. और वहाँ जो है हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं. सो वेरी ईजी, नो फस मील. ये भाई हमारी कोकोनट चिकन तैयार है. थोड़ी सी ज़्यादा सॉसी हो गई है देन आई वुड हैव वांटेड बट इट्स ओके बिकॉज आई कुडंट ऐड बहुत ज़्यादा कोकोनट मिल्क. गाइस मिस्टर अली जस्ट गॉट अ हेयर कट, हम लोग अभी वापस आए हैं. ऊपर देखो एंड ये देखें जरा. बूनी बूनी क्या हुआ है? ब्रूनो, ओह माय गॉड, रोबो डॉग. क्या चाहिए? क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग. कल जो है मैं पोस्ट ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही थक गई थी एंड माय बॉडी हर्ट सो मच. सो आई जस्ट, हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग थोड़ा बाहर गए एंड देन आई जस्ट क्रैश्ड एंड आई स्लेप्ट. सो अ लॉट ऑफ पीपल, उन्होंने जो है मुझे जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि अभी 2 दिन पहले वी हैड अ दावत जिसमें मैंने बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए थे. तो मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि उस दिन का व्लॉग कब अपलोड होगा, बट आई डिड नॉट व्लॉग दैट डे बिकॉज देर वॉज सो मच गोइंग ऑन कि बस बिल्कुल भी लाइक आई कुडंट हैंडल व्लॉगिंग. मैंने चार डिशेज बनाई थी एंड इट वॉज जस्ट टू मच. सो सॉरी गाइज. तो आज ये सीन है कि हम लोग जो हैं अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, देन आई एम गोइंग टू गो टू ज़ैनब्स हाउस फॉर अ बिट, फिर कुछ हमें इंस्टाग्राम के लिए वीडियो वगैरह बनानी है. सो अ रिलेटिवली चिल संडे अल्हम्दुलिल्लाह. एंड अब पता नहीं कि आज अज़न कल रोज़ा होता है और आज रात में सुबह में हम सहरी करते हैं नहीं करते, लेट्स सी. दिस गाय, मैं वॉशरूम में थी, इनसे भूख हैंडल नहीं हो रही थी, सो ही मेड हिज एग्स हिमसेल्फ. एंड ये देखें भाई क्या क्रीमी क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए भाई. आज से तुम ही बनाओगे अपने अंडे. माशाल्लाह. शादी से पहले मैं खुद ही बनाता था. झूठ, अंडे तो मैं झूठ. अभी इसका झूठ वो करते हैं. क्या शादी से पहले अली के नाश्ते के अंडे कौन बनाता था? मैं खुद बनाता था ना. मैं बिस्ते 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 लाओ. मैं सॉल्ट एंड पेपर डालूं फैंसी स्प्रिंकलर से. क्योंकि भाई हम लोगों को देर हो रही है, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई सनस्क्रीन टुडे बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. हम आ रही दूसरी फिंगर लेंथ. एंड हमारी सन स्क्रीन लग गई है एंड दैट्स अबाउट इट.
कुछ और करने का एज सच मूड तो नहीं हो रहा मेरा मे बी जस्ट सम लिपस्टिक लिप बाम टाइप अबाउट इट लेट्स गो गाइस हमारे कमरे में कोई कीड़ा टाइप आ गया है अली मेरी डेकोरेटिव बुक से उनको मार रहा है अली क्यों कर रहे हो उसको कोई बिल्ली है आई कैन हेयर इट इधर ये अली चिल करना नहीं अली लिसन मेरे परफ्यूम्स बहुत डेलिकेट हालत में पड़े हुए पीछे ये रहा बोरा बोरा अल्लाह ये रहा अली बाहर ही निकाल दो कमरे से मारो नहीं मारो मरेगा भी नहीं आज का वर्कआउट हो गया तुम्हारा पूरा 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 हाँ यू गॉट इट यू हिट इट मेरे ऊपर गिरेगा अली आई डोंट हेयर इट एनीमोर बाहर तो नहीं चला गया अली तुमने ट्विस्ट कर दी मेरी डेकोरेट असली है यार अली अली वो बैठा हुआ अली गिरोगे यार खड़े नहीं हो बिस्तर पे अली क्या कर रहे हो अली कुछ तोड़ोगे यार तुम साफ करो इसको अब ये रखोगी हमारी भी नहीं होगी गुड जॉब अरे इसको दूर रखो मुझसे अरे नहीं करो यार अम्मा अरे नहीं करो आज मैं तुम्हारे मुंह पे तक फेंकूंगी नहीं करो मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं करो नहीं करो अरे नहीं करो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस ब्लॉग कल बड़ा ही वियर्ड सा दिन था आप लोगों ने देखा होगा कल का दिन लिटरली लाइक आधा मिनट या दो मिनट या तीन चार मिनट का ब्लॉग बना बिकॉज हम लोगों को घर देखने के लिए जाना था यू सी दैट पार्ट इन अलीज ब्लॉग्स और हम लोग DHA गए फिर एंकरेज गए तो जो हम लोग दोपहर में निकले आते आते हमें लिटरली कोई शाम के 7-8 बज गए I was so tired by then. Like मेरी literally हालत ख़राब हुई हुई थी that I was just in bed all day. Didn't feel like vlogging. Didn't feel like doing anything. तो बस situation कुछ ऐसी है कि अब नया दिन शुरू किया है and इंशाल्लाह कल जो है पहला रोज़ा है तो आज जो है हम लोग रमज़ान की तैयारियों के लिए ग्रोसरी वगैरह के लिए जाएंगे and मज़ा आएगा very very excited for रमज़ान सबसे पहले तो चल के अपनी आखिरी महीने के लिए मॉर्निंग कॉफ़ी पीते हैं और फिर उसके बाद जिम जाते हैं लास्ट मॉर्निंग कॉफ़ी ऑफ दिस मंथ गाइस अली की हॉट मेरी कोल्ड और ये अली पता नहीं क्या एडिटिंग कर रहा है अपनी कॉफ़ी उसकी आई मेड अ जंबो ग्लास टुडे गाइस मैं जिम के लिए निकली हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही लिविंग ऑन द एज कर रही हूँ लिटरली 0-0 पेट्रोल करके मैंने भरवाया आई शुड नेवर एवर 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 डू दिस चलो जी गाइस आई एम डन विद द जिम अब मैं आई हूँ ज़रा थोड़ी सी रमज़ान ग्रोसरी करने के लिए नॉट मच छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी मुझे एंड बहुत ही इंटेंस सेशन रहा मेरा आज लेग्स था ये तो कल पता चलेगा कितना इंटेंस था जब टांगें जेली हुई हुई होंगी बिल्कुल यहाँ से जो है मैं जाऊँगी दर्जी के पास अपने कपड़े देने के लिए गोइंग टू पिक अप सम चपाती चिकन रोल्स फ्रॉम हॉट एंड स्पाइस बिकॉज आई डिडंट कुक एनीथिंग टुडे टाइम नहीं मिला तो बस ये काम करते हैं फिर चलते हैं घर
डन विद आवर ग्रोसरी भाई, कुछ ज़्यादा ही फ्रोजन चीज़ों में मैं कैरीड अवे हो गई बट रमज़ान में बिकॉज़ यू डोंट ईट फ्राइड तो इन्हीं का मज़ा आता है। अब हम लोग आए हैं हॉट एंड स्पाइसी टू गेट आवर चिकन चपाती रोल्स एंड आई एम जस्ट वेटिंग इन माई कार ऑर्डर करके। गाइस आई जस्ट गॉट होम और मैंने अमेजोन वायरल सूटकेस मंगवाया था, वो मेरा आ गया है। हमने कब मंगवाया था? झूठ कितना बोल रहे हो, मैंने मंगवाया है। पैसे ट्रांसफर किए तो फिर मेरा तो ही मैं हुआ दे देती मेरा गिफ्ट हुआ। वो तो मैं घर पे नहीं थी इसलिए तो मेरा गिफ्ट हुआ ना, मैं दे देती हूँ पैसे। ये कप होल्डर भी है एंड इसके साथ जो है एक कहाँ से खुला था ये, हाँ ये लैपटॉप होल्डर, ताकि आपको इमिग्रेशन पे पूरा सूटकेस ना खोलना पड़े, बस यहाँ से निकाला। एंड इट आल्सो हैज चार्जिंग, अंदर डालनी तो पड़ेगी ना पावर शावर, पावर बैंक। सो कूल, बहुत छोटा था, बड़ा ही कोई अली बिल्कुल अली नॉर्मल कब लगेज वाला साइज बच्चे का लग रहा है। हैंड कैरी जी मैं लाई हूं बुनी के लिए, आई विल गिव इट टू हिम। अनिल फाड़ देगा, देना नहीं देना नहीं। अच्छा इसीलिए वो इतना वो कर रहा है जी। It also has a charging port and a phone holder. हमने establish कर लिया कि ये and a cup holder जो कि मैं दिखा चुकी हूँ, but I am very excited about my putting my travel coffee here. Guys, कैसा लगा आपको present जो मैंने अपनी बेगम को नहीं दिया लेकिन अब मैंने दे दिया? It's so cool. I love it. बाहर दोस्त हाँ फायदा क्या इसका? अभी कितने कोई तुम वो हो टू फेस्ड कैमरे से बंद बोले थे हाँ ये तो बड़ा कूल है यार, क्यूट तो है लेकिन 30,000 वर्थ नहीं है। सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 4 और डे 3 ऑफ दिस व्लॉग, आई एम नॉट श्योर। कुछ ना बहुत ही अजीब से दिन चल रहे हैं मेरे आजकल, वेयर आई जस्ट गेट बैक फ्रॉम जिम, गेट सो टायर्ड, लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम, और फिर मैं व्लॉग भी करना भूल जाती हूँ, फिर कहाँ जाता है व्लॉग, क्या होता है कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं पता चलता। सो कल भी यही हुआ, मैं ग्रोसरी वोसरी करके दर्जी को कपड़े दे के खाना वाना लेके घर आई एंड सूटकेस वगैरह देखा अपना, फिर उसके बाद जो है अली के साथ में थोड़ी देर बैठी तो हम खाना खाने बैठे तो हमने शो लगा लिया। अब हम लोगों ने हार्लन कोबेन का एक और शो शुरू किया था, इट वॉज कॉल्ड स्टे क्लोज। हम इतना इन्वेस्ट हो गए शो में दैट वी लिटरली वॉच्ड द होल शो, 6-8 एपिसोड है टोटल, 3 हम देख चुके थे, हम लोगों ने 5 एपिसोड इन वन को देखे खाना खाते हुए। फिर जब खाना खा के फारिग हुए तो अली को जो है फ्राइड चिकन की क्रेविंग हो रही थी, तो अली ने OPTP ऑर्डर किया। OPTP ऑर्डर किया तो आई हैड 1 ड्रमस्टिक फ्रॉम हिम, आज लेकिन वैसे ही रोज़ा शुरू हो रहा है तो खा लेते हैं एक ड्रमस्टिक। एक वो ड्रमस्टिक खा के जो मेरा पेट ख़राब हुआ है और मुझे नौसिया हुआ है, मेरी तबीयत हुई है, इट वॉज़ ऑफुल। तो खैर मैंने डिसाइड किया कि मैं सहरी के लिए नहीं उठूँगी, बट जब सहरी का टाइम हुआ तो मुझे एंग्शियस लगा, आई वॉज गेटिंग एंग्शियस कि अली का नाश्ता, फिर कोई उठा हो ना उठा हो ये हो वो हो, तो मैं उठ गई, उठी और अली के लिए मैंने अंडे बनाए। अंडे भी ख़त्म हुए हुए थे, सिर्फ 4 थे, अली 6 खाता है, तो 4 जब मैंने अंडे बनाए अली के लिए उसमें से 2 मैंने योक्स निकाली, तो मैंने बोला चलो योक्स की जो है ना मैं अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। तो मैंने योक्स में थोड़ा सा स्टीविया डाला, थोड़ा सा दूध डाला, फ्रेंच टोस्ट बनाया, सहरी में खा लिया। सहरी के बाद फिर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, डायरिया, नौजिया, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मुझे उल्टी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहरी में राइज़र खा ली थी तो उल्टी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आई वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड कि रमज़ान का वो शुरू होगा एस्पेक्ट, सहरी दिखाएंगे, तैयारियाँ दिखाएंगे, ये सब वो सब, बट आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग अप टू इट। अली डिड व्लॉग तो अली इज़ ट्राइंग टू बी मोर रेगुलर विथ हिज व्लॉग्स इन रमज़ान होपफुली, बिकॉज आज से कोई 2 या 3 साल पहले अली ने शुरू ही रमज़ान में किया था एंड नाउ ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी मोर रेगुलर विथ इट एंड इंशाल्लाह ही विल बी। तो खैर सहरी के बाद सो वो कि अभी कोई 12 बज रहा है, अभी हम लोग उठे हैं, अली तो पहले ही उठ गया था, ही वॉज नॉट इन बेड सो आई डोंट नो व्हाट टाइम ही गॉट अप। तो चल के ज़रा देखते हैं क्या तैयारियां हैं क्या है। आज मैं एक देसी सी मैक्रोनी बना रही हूँ इफ्तार के लिए, और साथ में KNN के स्प्रिंग रोल, समोसे वगैरह लाई थी, उनमें से कुछ एयर फ्राई करूँगी जस्ट फॉर दैट इफ्तारी टच। और ड्रिंक तो हमारी एज यूजल हमेशा स्टीविया लेमनेड होता है, तो वो सो लेट्स गो, आज नो कॉफ़ी। गाइज मुझे इतने लोग बोल रहे थे कि आपने कब से ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स नहीं दिखाया, तो आज हम लोग ज़रा कुछ काम वाम करने के लिए ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स आके बैठे हैं, तो सोचा आपको दिखाएं। हम उमर साहब भी हैं, अली भी हैं, एंड दिस इज़ इट।
ऑल्सो गाइज, हमना हैज स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स फॉर हर चिकन पॉट पाई विच इज़ दी बेस्ट एवर. तो हम यहाँ उसके लिए कुछ ऑर्डर्स माशाल्लाह से उसको अभी से इतने आ गए, तो कुछ प्रिंटिंग श्रिंटिंग कर रहे हैं. एंड द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल. आई लीव हर इंस्टाग्राम लिंक बिलो इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर हर चिकन पॉट पाई. एंड ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट. बट ये ज़रा प्रिंटिंग हमारी ख़राब हो गई है. चलिए जी गाइज, मैं जो हूँ नहा धो के तैयार हो गई हूँ. नमाज मैंने पढ़ ली थी और खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं इफ्तारी की तैयारियों की. आई एम जस्ट वेटिंग कि असर हो तो मैं असर पढ़ूं और फिर थोड़ा सा कुरान पढ़ूं और फिर मैं भी अपनी इफ्तारी बनाऊं. सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी वायरल होता है हर रमज़ान. बट अगर आप अपनी हर नमाज के बाद चार पेज पढ़ें कुरान के, तो यू कैन फिनिश द इंटायर कुरान इन रमज़ान. ऑब्वियसली लड़कियों के पास थोड़ी सी एक हफ्ते के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो मे बी यू कैन ट्राई टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा. बट या आप जो हैं फिनिश कर सकते हैं पूरे रमज़ान में. आई हैव डन इट ऑलमोस्ट एवरी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह. तो बस जस्ट वेटिंग, दो मिनट रह गए असर में, फिर हम लोग नमाज पढ़ के चलते हैं अपनी इफ्तारी बनाने. सो गाइज, मैं जो हूँ कुरान प्रेफर करती हूँ पढ़ना इस ऐप से. इट्स कॉल्ड दी अजान ऐप. और इसमें सारी जो आपकी सूरज हैं वो डिवाइडेड होती हैं, जूज आपके डिवाइडेड होते हैं. आप जहाँ छोड़ें आप बुकमार्क कर सकते हैं अपनी आयत एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ. साथ में ट्रांसलेशन भी इंग्लिश की बहुत आसान होती है, प्रोनंसिएशन भी इंग्लिश में होती है फॉर यू टू प्रोनाउंस इट बेटर. सो आई रियली रियली लाइक इट. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें इतनी अच्छी दुआज होती हैं हर चीज़ के लिए विच आई रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस, वेदर इट्स रिस्क, वेदर इट्स रमज़ान, वेदर इट्स इफ़ यू वॉन्ट पेशेंस, अगर आप पे कोई कर्जा है, अगर आपको क्या कहते हैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना है डिफ़िकल्ट टाइम्स में, खुशी के लिए. तो यू नो आई फील लाइक इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग ऐप. चलिए जी शुरू करते हैं इफ्तारी. सबसे पहले आई एम मेकिंग द स्टीविया लेमनेड, छोटा मेरा बड़ा अली का. ऑल यू नीड इज सॉल्ट, स्टीविया, लेमन्स एंड वाटर, एंड दैट्स अबाउट इट. और ये स्टीविया मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. तो साशा अली हमजा जी, चलो आप भी थोड़ा काम करो, इसमें इन दोनों में पानी भरो और इनको फ्रीजर में रखाओ बाहर. हमारे अलग अलग, हाँ बड़े वाला तुम्हारा, छोटे वाला मेरा. टेस्ट किया? कैसे टेस्ट करूं? अलाउड होता है? नहीं होता अलाउड भाई, नहीं अम्मा? नहीं, वो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है. चलिए जी गाइस, आई एम स्टार्टिंग आउट माय मैक्रोनी. ये बेक पार्लर की टिक्का मैक्रोनी है. मैं जैसे बनी हुई वैसे बना रही हूँ. चिकन का मैंने ब्रेस्ट का कीमा कर लिया है एंड ये मेरी जो है सब्जियाँ वब्जियाँ काटी हुई हैं एंड ऑयल अभी गर्म हुआ है. सो उसके अंदर जो है आई जस्ट एडेड सम अनियन, सम जिंजर गार्लिक, सम ग्रीन चिलीज. और इसको सॉटे करना है जब तक थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट ना हो जाए. सिंस आई डोंट हैव इनफ ऑयल अलाउंस, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम वाटर ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए. भाई रेडी सब्जी मंडी से होके आए हैं, आप लोग सब समझ तो गए होंगे. यहाँ जो है अम्मा की चिकन पकौड़ाज की रेसिपी बन रही है, मज़ेदार तरीन. बट डैडी को जो है ना बिल्कुल नहीं पसंद चिकन के पकोड़े. ये मैंने जो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया. सो डैडी डजंट लाइक चिकन के पकोड़े एट ऑल. एंड व्हेन डैडी फाइंड्स आउट कि ये चिकन के हैं, फिर हम लोगों ने जो है इसमें अपना चिकन कीमा ऐड कर दिया है. चिकन कीमा को थोड़ा सा वाइट करेंगे, फिर उसी के अंदर जो डब्बे के अंदर मसाला है वो ऐड करेंगे. चिकन में हमने कोई मैरिनेशन नहीं की है, सब कुछ इसमें ही हमने डाल दिया है. चलिए जी गाइस, जब तक हमारा जो है वो क्या है, हमारा जो पास्ता है उसकी चिकन थोड़ी सी गल भी है, तो हमने सोचा कि हम तब तक अपनी चीज़ें ज़रा एयर फ्राई बेक कर लें. इस रमज़ान में हम लोगों ने सब ने कलेक्टिवली एज अ फैमिली डिसाइड किया है कि हम लोग चीज़ें फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ पकोड़े बनाएंगे. कुछ डैडी लाइक्स पकोड़े तो वो उनके लिए बनाएंगे, बट बाकी सारी चीज़ें जो है मैं ये समोसे चमोसे ले के आई थी ये हम एयर फ्राई करेंगे. सो जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि रमज़ान में तो भाई तेल वाला जो कंजम्पशन वो बहुत बढ़ जाती है. सो वी आर गोइंग टू ट्राई गाइस. ये जो हमारा कीमा था उसको हम लोगों ने बस उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसको अब हम लोग पका रहे हैं अच्छी तरीके से. और यहाँ हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है, यहाँ अम्मा के पकौड़ाज बन रहे हैं, पालक पकौड़ा, पालक चिकन पकौड़ा. हाँ पालक चिकन. और यहाँ पे जो है हम अपना दावा पूरा कर रहे हैं, बेक करने लगे हैं चीज़ें. तो आज हमारे पास हैं केएनएनस के चिकन समोसे हैं हमारे पास, और हमारे पास बिग बर्ड के चिकन वेजी रोल्स हैं, और हमारे पास केएनएनस की पफ पैटीज हैं. सो अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये ज़्यादा है कम है. आज लोग खाएंगे तो ज़रा पता चलेगा कि कितने बनाने चाहिए रोज़. इस पर ज़रा सा हम ऑयल स्प्रे कर देते हैं. बेक
और स्टफ हम ना इसमें रखूं ऊपर वाले में रखूं? आई थिंक सेंटर में ठीक है, सही है ना? सही, इसको हम ये भाई हमारे पास जो है पीली शिमला मिर्च कटी हुई पड़ी हुई थी, मैंने वो भी ऐड कर ली। क्यों नहीं आ रही फ्रीज मेरे चम्मच में? खैर ये हमारी जो पीली शिमला मिर्च पड़ी थी तो वो मैंने ऐड कर दी है, और अब हमारा जो है पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू मिक्स द पास्ता इन। चलिए जी गाइस, पास्ता हमारा मिक्स हो गया, इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा धनिया। और गाइस ये जो है मम्मी अभी डैडी से शदीद तरीन कोई सॉफ्टी करा रही है, एंड नाउ शी इज़ बीइंग शदीद टॉर्चर्ड बाय डैडी। हम देख रहे हैं भाई वसीम बदामी का शो प्री इफ्तार, बिकॉज इट्स जस्ट सो मच फन एंड सो इन्फॉर्मेटिव। चलें जी, टाइम फॉर इफ्तार। मेरा पास्ता, अली का पास्ता, ये बॉयल है रेडी, पास्ता भी बॉयल है, जितना बोलते हैं ना पकौड़े समोसे ट्रेडिशनल की वो जो आप क्या कहते हैं चने, हाँ चना चाट तो होनी चाहिए, समोसे समोसे हाँ चना चाट होनी चाहिए, कल बनाएंगे। अम्मा अम्मा जब जब नहीं बनते तो फरमाइश कौन करता है पकौड़ों की? समोसे डैडी आपको पता है पकौड़े किस चीज के हैं? बेसन है, चिकन के। चले जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी इफ्तारी हो गई, और अभी ना ये सब करते हुए मुझे इतना कोई डेजा वो हो रहा है जैसे बस वो पिछले रमज़ान की ना सारी यादें वगैरह सब आ रही हैं दिमाग में, जो जो करते थे, इफ्तारियाँ, सहरियाँ, पोस्ट इफ्तार, ये जो क्रैश आता है एकदम से बंदे को दिल करता है बस सो ही जाए, और मेरे तो जो पोस्ट इफ्तार नैप्स होते हैं ना, आह क्या उस जैसी नींद तो ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं आती जैसी मुझे इफ्तार के बाद, ख़ास तौर पे जब मैं कराची में अपनी अम्मी के अपने घर होती थी तो मम्मा के कमरे में ना एक बेड होता था एक्स्ट्रा, सोफ़ा कम बेड नानू जी का होता था वो सब, सो जब नानू जी हमारे घर आती थी रहने के लिए तो नानू जी उस पर सोती थी, देन नानू जी पास्ट अवे एंड मम्मा ने वो बिस्तर काफ़ी टाइम नहीं हटाया, तो मैं उस बिस्तर पर जाके सो जाती थी, एंड वो बस मुझे नींद नहीं भूलती भाई। खैर इफ्तारी वगैरह करके अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बिकॉज द क्रैश इज़ हिटिंग, देन वी गोना वेक अप, हैव सम कॉफ़ी, इवनिंग कॉफ़ी, एंड फिर उसके बाद हम जिम जाएंगे। बिकॉज मैं एक बहुत ही अमेजिंग से घंटे के नाप से उठ गई हूँ, अब ज़रा चेंज करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, निकलते हैं फॉर द जिम। लुक एट दैट गाय इन द बैकग्राउंड, हिज नैप इज़ क्लियरली स्टिल गोइंग ऑन। चले जी गाइस, टाइम फॉर द पॉइजन, आर इवनिंग पॉइजन इंस्टेड ऑफ द मॉर्निंग पॉइजन, ये देखें दोनों नशे ही। चले जी गाइस, माय कॉफी वर्सेस हिज कॉफी, एंड आई एम नाउ ऑफ टू द जिम। वापस आके गाइस आप लोगों को सब सारी चीज़ों का प्राइस ब्रेकडाउन और डिटेल्स बताते हैं इंशाल्लाह। गाइस रमज़ान में कुछ ऐसा हाल होता है जिम का, उफ मछली बाजार। गाइस आई एम होम टू माय अनएबल टू गो टू द जिम हस्बैंड, और यहाँ हमारे डिनर के मैक्रोनी बॉयल हो रही है, मैंने अपने में थोड़ा सा पानी डाले तो मेरे को सॉसी, अली डिड वांट सॉसी सो नो सॉसी फॉर अली। डैडी पूछ रहे थे मेरा वो देखें कौन खाना खा के बैठा है, सेक्सी सॉक्सी, इसका नाम हमने रखा है सेक्सी सॉक्सी। लेकिन इसकी टेल वैगी क्यों नहीं होती? ये थोड़ा डरा डरा रहता है, इतना फ्रेंडली नहीं, पूरी वॉक करता है मेरे साथ, डरा डरा रहता है। हाँ बट लाइक पीछे पीछे रहता है ना। नहीं आज आगे आया थोड़ा सा। चलिए जी गाइस, डिनर भी हो गया, नमाज भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ लिया। मैंने जो है इस दफ़ा डिसाइड किया कि इस रमज़ान में इंस्टेड ऑफ रेसिंग टू फिनिश द कुरान, दिस इज़ व्हाट माय हस्बैंड मेड मी रियलाइज, मैं जो है रियली फोकस करना है ऑन कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना। मैंने दो तीन दफ़ा पढ़ा हुआ है तर्जुमे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा लाइक यू नो रेफरेंसेस वर्सेस वगैरह, जब मुझसे कोई बात करता है मुझे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि वो कौन सी आयत की बात कर रहे हैं और क्या उसका रेफरेंस है, क्या मतलब है, बट आई जस्ट वॉन्ट डू इट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ताकि वो पक्का हो, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बट आई फील लाइक कुरान की एक रेस में लगना कि मुझे बस रमज़ान में ख़त्म करना है, इट्स वे मोर सुपीरियर टू अंडरस्टैंड वट यू आर एक्चुअली रीडिंग, एंड द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कुरान वॉज कि वो आपके लिए गाइडेंस की किताब है, तो गाइडेंस तो आप तभी लेंगे ना जब आपको समझ आएगा, तो आई फील दैट इज़ फार मोर सुपीरियर, बट अगेन हर किसी के अपने
ओपिनियंस होते हैं. ऑब्वियसली कुरान ख़त्म करने का भी बहुत सवाब है और यू नो इट्स जस्ट डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो चलिए जी लेट्स स्टार्ट विद द अभी ज़रा घर की हालत थोड़ी ऑफ हो रही है बट फिर भी आप लोगों को ज़रा जल्दी से डिटेल्स बताते हैं चीज़ों की. ओके डन. अच्छा जी गाइस सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे ऊपर. सो ये जो लाइट्स हैं ये सारी लाइट्स हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज है नदीम लाइट्स के नाम से वहाँ से मंगवाई थी. इंस्टाग्राम उनका मैं नीचे टैग कर दूँगी. देन लेट्स कम डाउन टू द मिरर. ये शीशा और वो शीशा दोनों देयर इज़ दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड ताज़ीनो आराइश वहाँ से मंगवाए थे. लाइट्स जो हैं ये इस तरह की 6 लाइट्स थी और एक ये ट्रैक लाइट टाइप थी. ये कोई थी 40,000 की विद डिलीवरी. दीज टू मिरर्स वर 47,000 विद डिलीवरी फ्रॉम लाहौर. आई थिंक कोई 4,000 या 6,000 डिलीवरी चार्जेस थे. ठीक है ना. देन लेट्स कम डाउन टू द सोफ़ा. सोफ़ा और ये जो कॉफ़ी टेबल है ये वाली, ये दोनों अब्बास मार्केट में एक दुकान है बिल्कुल पीछे जाके विच इज़ लाइक अ प्रॉपर दुकान. अब्बास मार्केट में वैसे लाइक छोटी छोटी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं बट ये एक प्रॉपर दुकान है जीनत होम के नाम से. आपको नज़र आ जाएगी वो पीछे जाके स्टेयर्स ऊपर जाके एक बनी हुई है प्रॉपर दुकान. 2-story 3-story की दुकान है. सो ये सोफ़ा एल शेप सोफ़ा एंड दिस कॉफ़ी टेबल वॉज फ्राम जीनत होम एंड बोथ दीज टुगेदर वर फॉर 168,000 रुपीज़ विद डिलीवरी. सो आई थिंक 130 कुछ का सोफ़ा था एंड 35 या समथिंग की ये कॉफ़ी टेबल थी. ठीक है ना. कुशन्स तो आप लोगों के साथ ही, मैंने इसके रेड आए थे ओरिजिनली बट कुशन कवर्स आपके साथ ही लिए थे. सो दीज ब्लैक एंड वाइट वंस वर फ्रॉम खाडी होम. दिस वन वॉज ऑल्सो फ्रॉम खाडी होम और बाकी सारे जो है निशात द लिनन कंपनी के थे. ये थ्रो जो है इट्स एक्चुअली अ प्लश ब्लैंकेट. ये मैंने G10 में वन ऑफ द जो चादरों वाली दुकान होती है वहाँ से लिया था. ठीक है ना. जितने भी हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और उनके वाजेज हैं, ये हो गया, ये वाला हो गया, वो वाला हो गया, ये सारे जो है चाइना मार्केट में एक बहुत फेमस दुकान है अल जन्नत के नाम से, वहाँ से लिए थे. दिस लैम्प इज़ ऑल्सो फ्रॉम अल जन्नत. अब डिलेमा ये है कि क्योंकि हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें ली थी तो मुझे प्राइसेस भूल गई हैं इन चीज़ों की. आई एम सॉरी. सो आई डोंट रिमेंबर हाउ मच दिस लैम्प वॉज फॉर बट दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम अल जन्नत. आई डोंट नो अगर मैंने इसकी असेंबलिंग थोड़ी गलत की थी क्या हुआ था बट ये इतना स्टर्डी नहीं है. सो लाइक हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ज़्यादा ना छेड़छाड़ी करें बट इट्स अ गुड लैम्प. ठीक है ना. सो द फ्लावर्स एंड ये जो सारे कैंडल स्टैंड हैं, फ्रूट बास्केट हैं, ये भी अल जन्नत से थे. देन दिस ट्रॉली एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली ट्रॉली जो है ये गोलरा में एक दुकान थी वहाँ से थी. आई विल रिमेंबर द नेम और मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ये वाला प्लांटर, अच्छा दिस ट्रॉली वॉज फॉर 32,000 रुपीज़ आई थिंक बट आई थिंक इस पर कोई सेल चल रहा था. सेल चल रही थी तो हमें 28 की कुछ इस तरह की पड़ी थी. ये प्लांटर एंड दैट प्लांटर इन द ड्राॅइंग रूम, ये दोनों जो हैं चाइना मार्केट की ही एक शॉप के थे. उनका भी जो है मुझे नाम नहीं याद है बट वो एंटर जहाँ से चाइना मार्केट शुरू होती वहाँ नीचे जाके एक आर्केड में थे बट आई एम श्योर अगर आप ढूंढने आपको मिल जाएंगे. ये दोनों प्लांट्स जो हैं प्लांटर्स हमें दे वर फॉर 30,000 रुपीज़ सो आई थिंक 15,000 ईच. अच्छा मैं बता रही थी ये वाली ट्रॉली एंड दीज केन वाली टेबल्स, ये वाली जो हमने दो लिए हैं जो सेट ऑफ थ्री हैं, ट्रियो टेबल्स हैं, ये गोलरा में एक शॉप थी वहाँ से लिए थे. आई रिमेंबर द नेम एंड आई ट्राई टू पोस्ट इट अगर मुझे मिल जाता है वरना मैं नंबर तो मेरे पास है तो वो लगा दूँगी. और ये वाली जो केन की टेबल है ये अब्बास मार्केट में एंटर होते ही जब आप ओपन वाली साइड से एंटर होते हैं तो देर इज़ दिस शॉप कॉल्ड शहजाद बाय एंड सेल. सो दिस वॉज फॉर 45,000 रुपीज़. दिस टेबल इसके नीचे इस तरह का ये है एंड आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल कॉफ़ी कंसोल. ये भी शहजाद बाय एंड सेल का ही था और हमारे जो वो वाले कंसोल्स हैं वो भी वहीं के हैं शहजाद बाय एंड सेल के. इनका भी मैं नंबर नीचे लगा दूँगी. दिस वॉज आई थिंक ही कोटेड 85,000 बट एज फार एज आई रिमेंबर मैंने 75 शायद करा लिया था बारगेन करके बिकॉज वी ऑल्सो गॉट दिस फ्रॉम हिम सो टोटल हमें शायद कम कर दिया था. आई एम नॉट श्योर. अच्छा जी ये जो रग है हमारा ये सैदपुर रोड पे एक रैंडम शॉप से हमें मिल गया था थैंकफुली. बट ये वाला जो रग है हमारा ये
क्वेटा कारपेट्स के आई थिंक नाम से एक दुकान है। मैंने अगर आप लोग देखे मेरी सबसे पहली लाउंज वाली वीडियो, उसमें मैंने उनका प्रॉपर बोर्ड वोर्ड भी दिखाया। तो ये वाला कारपेट एंड द ड्राइंग रूम वाला टर्किश कारपेट, दिस वन, ये दोनों वहाँ के थे। मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, बट दिस वॉज़ अ वेरी वेरी बिग कारपेट। आई थिंक ये 40,000 का था एंड दैट वॉज फॉर 25 or 30, आई एम नॉट श्योर। आई रिमेम्बर उसने कोट कुछ बहुत ही अनरीजनेबल सा किया था, बट हमने 25-ish करा लिया था। ये जो कंसोल टाइप है, ये हमारे पास पहले से था। जो हमारे बहुत बहुत पुराने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं ना, उनको याद होगा, दिस वॉज आर वेरी फर्स्ट कॉफ़ी टेबल। सो ये पाक तामीर से आई थिंक मैंने लिया था। दैट वॉज ऑल्सो फ्राम अल जन्नत विद द पॉम्पस। एंड ये जो लैम्प है, ये हमें चाइना मार्केट में एक रैंडम दुकान पे मिल गया था फॉर 6,000 rupees। सो ये भी चाइना मार्केट का है। ऑल्सो ये जो हमारे, इनको क्या बोलते हैं, मैट्स, टेबल मैट्स हैं, ये भी अल जन्नत के थे। कैंडल स्टैंड में बता चुकी हूँ, दिस वॉज द फ्लावर्स, ये सब अल जन्नत का था। सो गाइज, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इफ़ आई हैव फॉरगॉटन समथिंग, जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल। यही थी सारी चीज़ें एंड दैट्स अबाउट इट। चलिए जी गाइस, अब हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं अनदर हार्लन कोबन शो, व्हिच इज कॉल्ड द इनोसेंट। द इनोसेंट देखें, होल टाइट देखें, आईएमडीबी पे देखो रेटिंग। चलिए जी गाइस, इट्स टाइम फॉर सहरी, और सहरी में मैं बना रही हूँ अंडे फॉर मी एंड अली। हमारी क्लासिक सहरी, वेल अली की क्लासिक सहरी होती है अंडा चपाती, एंड यहाँ अम्मा बना रही हैं परौंठे हमारे लिए, सूखी चपाती, और बाकी सबके लिए पराठे बना रही हैं अम्मा। एंड हमारी, मैं आज, वैसे मुझे सहरी का मूड नहीं हो रहा था, बट मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, पे लगाता हूँ। भाई अली का आता है दही, एंड आई एम जस्ट हैविंग एग्स एंड चपातीज। कलेक्टिव सबका दही नहीं, या दही सबका है बस। और है, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 5 or 6 ऑफ दिस व्लॉग। आई नो काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग, एंड मैंने सोचा था कि आज जो है थोड़ी सी इफ्तारी वगैरह वो भी डाल देंगे इस व्लॉग में, बट आई वोक अप, इट्स जस्ट बीन एन अ वेरी वियर्ड डे। मैं जैसे ही उठी, यू नो हाउ यू जस्ट स्क्रोल योर फ़ोन, तो खैर मैंने फ़ोन खोला एंड आई सॉ वलिया स्टोरी, एंड आई फाउंड आउट दैट हर नानी शीरी आंटीज़ मॉम हैज़ पास्ड अवे। And it was such a big shock because अभी कुछ दिन पहले जब ये लोग हमारे घर आए थे, तब they were telling us about how उन्होंने साथ में एक ट्राइफल वगैरह की वीडियो बनाई थी, एंड हाउ शी पास्ड रियली फनी कॉमेंट्स एंड शी वॉज जस्ट परफेक्टली फाइन। तो खैर मैं फ़ौरन उठी, आई गॉट ड्रेस्ड एंड एवरी थिंग, एंड मैं उनके घर गई फॉर द पढ़ाई एंड एवरी थिंग। एंड अली जो है वो फिर नमाज जनाजा पे गया, एंड देन खैर ऑब्वियसली वहाँ पे भी काफ़ी टाइम वगैरह लग गया, वो करते कराते घर आए, बस जल्दी जल्दी मैं इफ्तारी बनाई, एंड इफ्तारी के साथ भी मेरा मिस हैप हो गया, बिकॉज मेंटली आई वाज सो कंज्यूम्ड ओवर देयर कि मैंने कुछ स्टर फ्राई बनाया था और उसमें कुछ शदीद नमक, पता नहीं कैसे, बहुत ही ज़्यादा हो गया, वॉज अनएडिबल। तो खैर हम लोगों ने बस वही फ्रूट चाट, चना चाट वगैरह खा ली इफ्तारी में। एंड आप लोग सब जो हैं, प्लीज़ शीरी आंटी की अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। प्लीज़ प्रे फॉर द फैमिलीज पेशेंस, उनका सब्र, एंड जस्ट रिमेंबर हर इन योर प्रेयर, के लिए ज़रूर प्लीज़ रोज़े के वक्त दुआ कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।